जय हिंद। मैं बसंत तेवतिया और आज की वीडियो में बात करेंगे रनिंग करने के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसके कारण आपको बाद में अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाए और साथ साथ कोई पेन ना रहे लेग में, क्योंकि रनिंग करने बाद ना काफ़ी पेन रह जाता है बॉडी में और फिर अगले दिन के लिए आप रेडी नहीं रहते। तो रनिंग करने बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जिससे क्या होता है आपकी लेग स्टेप भी अच्छे से ओपन होती है, बॉडी स्ट्रेच भी अच्छे से हो जाती है और साथ साथ आपको कोई पेन नहीं रहता, आप रिलैक्स कर जाते हो। ठीक है, तो आज वही उन्हीं एक्सरसाइज के साथ बात करेंगे। आ जाओ तो आपको एक्सरसाइज पे ध्यान दिलाते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो मेन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज स्टार्ट करो, पहले आ जाओ कैमरे पास लियो। तो आपको क्या करना है, एक लेग जो आपका स्ट्रेट हो जाना चाहिए, दूसरा लेग आपको फोल्ड करना है, देन आपको लंजिंग करनी है। करके दिखाओ, पास लिया, बैठ जा नीचे, बैठ जा आराम से। हाँ ठीक है, ऐसे आपको करना है और हर लेग से करना है, ऐसे नहीं आपने एक ही लेग से करा लेग चेंज। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप अच्छे तरीके से समझ जाओ। ठीक है, आपका जो लेग है ना वो नी ऐसे जैसे जिस तरह फोल्ड है ऐसी फोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज चेंज, ये हमारी एक्सरसाइज चेंज है, करो लगाओ। हाँ स्ट्रेच करो, इसमें ये नहीं है कि आपको खाली ऐसे पकड़ के रखना है, इसको आपको ऐसे इस तरह खींचना है। इससे क्या होता है, जो आपका हिप का ये है ना, इधर से स्ट्रेच होता है, जो आप कहते हो हिप में पेन होता है वो इधर से दूर होता है। ठीक है, लेग चेंज करो अच्छे से स्ट्रेच, लेग चेंज, पैर फोल्ड करो पीछे की साइड, ऐसे। इस एक्सरसाइज में वो पहले वाली एक्सरसाइज है, पर इसमें जो आपका पैर जो है बिल्कुल अपोजिट पीछे होना चाहिए और आपकी जो घुटना है वो ऐसे जमीन पर टच होना चाहिए और जो आपकी पीछे की ये लेग है ना वो हिप के पास तक टच होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पे ऐसे आपको होल्ड करना है। ये सारी स्ट्रेचिंग है बैक के लिए, लेग के लिए, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, बेस्ट बेस्ट। ठीक है, लेग चेंज, हाँ आप देख सकते हैं बंदे की अच्छी स्ट्रेचिंग, अगर आप डेली ऐसी स्ट्रेचिंग करोगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। एक्सरसाइज चेंज, हाँ ऐसे पकड़ना है इस तरीके से, इस तरीके से। ये आपकी हिप बैक कमर के लिए और लेग के लिए तीन चार एक्सरसाइज इसी में है। ठीक है, आपको क्या करना है, दूसरे लेग से करो, इस लेग में समझाता हूँ। एक लेग आपका स्ट्रेट होना चाहिए, दूसरा लेग आपका इस तरह फोल्ड होना चाहिए और इससे अपोजिट आपका हैंड और नी के साइड इस तरह हाथ निकाल के और आपको इस तरह मूवमेंट पीछे की साइड करना है। इसका जो हिप यहाँ कमर है बिल्कुल टाइट हो रहा है और ये जो हिप है हिप का भी जोड़ लग रहा है और लेग भी स्ट्रेच हो रही है। तीन एक्सरसाइज, तीन काम इस एक्सरसाइज से हो रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज चेंज, अब उल्टे हो जाओ थोड़ा। हम मेन मेन एक्सरसाइज बताएंगे, बेफालतू की एक्सरसाइज इसमें मिक्स नहीं करने वाले, बहुत सारी बेफालतू की एक्सरसाइज है। ठीक है, चेस्ट बात रखो, स्ट्रेच करो पीछे, हाँ ये भी काफ़ी ज़रूरी है। रनिंग करने के बाद क्या होता है ना, आपकी बॉडी डाउन, अगेन करके दिखाना है, बॉडी में जो रहता है ना पेन वगैरह रह जाता है बैक से, जो इससे दूर होता है और हिप पे भी जोर पड़ता है इस चीज़ से। ठीक है, अब चेंज, हाथ अगला, हाँ स्ट्रेच अगेन, शाबाश, डाउन, पैर से लंजिंग कर आगे पीछे, हाँ दोनों से रिलैक्स बैठ, पीछे हाथ कर, पीछे हाथ कर, हाँ नीचे रख ले हाथ को, हाँ रिलैक्स, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स रख के आपको इस तरह मूवमेंट करनी है। देख लो आप लेग दिखा, हाँ ऐसे लेग करना, इससे क्या होगा ना जो आपकी काफ वगैरह टाइट हो रही है और हिप वगैरह टाइट हो रहे हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। ये करनी काफ़ी ज़रूरी है। पैरों को लंजिंग कर इस तरह, देख आगे जैसे, हाँ ऊपर ला के, ऊपर ला के, हाँ ऐसे इस तरह। ठीक है, ये नी के लिए भी है, नी नी का भी काफ़ी इसमें फायदा है। चेंज, चेस्ट चेस्ट की तरह उठ, हाँ और बॉडी इस तरह मूवमेंट करो। ठीक है, ऐसे आपको साइड से देखना क्योंकि जो बैक का जो जोर रहता है, अगर आप स्ट्रेट करते हो डाउन और साइड चेंज, आप ऐसे करते हो तो खाली बैक बैक का होता है, पर अगर आप इस तरह मूवमेंट करोगे तो आपका साइड का भी इसमें बैक का फोर्स पड़ेगा। ठीक है, साइड की भी स्ट्रेचिंग होगी। चेंज एक्सरसाइज, पैर पकड़ो, अच्छे से उठाओ, नी उठाओ जितना उठता है, हाँ इसे बोलते हैं हम बोट भी बोल सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, सब बोट भी बोलते हैं इसे और डी भी बोलते हैं, डी बोलते हैं ऐसे मेन जो चीज़ है, बोट बनो, हाथ आगे करो, पैर उठाओ, हाँ पैर उठाओ, शाबाश, ऐसे इस तरीके से आपको बोट बनना है, ये बोट होता है। डाउन चेन, सीधे हो जाओ, और एक्सरसाइज बॉडी डाउन, हाँ इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपके ये जो इस ये वाला हिस्सा है ना ये अच्छे से स्ट्रेच होगा, जितनी और एक्सरसाइज है उससे इतना नहीं होता है, पर जितना ये वाली एक्सरसाइज है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चेंज, हाँ ये करनी काफ़ी ज़रूरी होती है जितनी भी ये सारी एक्सरसाइज है।
डेली करोगे ना आपको काफी फायदा मिलेगा। इनसे क्या होता है ना, स्ट्रेचिंग होने लगती है, अगले दिन के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो कि मैं अगले दिन अच्छे से वर्कआउट कर सकता हूँ। बटरफ्लाई करो, ज्यादा नहीं, सिर्फ मेन मेन एक्सरसाइज बताऊंगा, बेफालतू की एक्सरसाइज जिनका काम नहीं है ना आपका, रनिंग वालों के लिए, सिर्फ रनिंग वालों के लिए ये वाली एक्सरसाइज है। अगर आप डेली करोगे तो काफी बेस्ट आएगा, और जो फिट रहना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट आएगा। डेली एक्सरसाइज करो, बटरफ्लाई करके होल्ड करो, स्ट्रेच करो, ऐसे स्ट्रेच करो, शाबाश। ओके, लेग ओपन करो साइड से आउटर में, इस तरीके से पूरे पूरे खोलो आउटर तक, स्ट्रेट करो ऐसे उसको भी, और ऐसे लंजिंग करो। हाँ ठीक है, ऐसे आपको लेग ओपन करके लंजिंग करनी है, लेग चेंज, स्ट्रेट लेट जाओ, बिल्कुल लेट जाओ, रिलैक्स। एक्सरसाइज करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स लेट जाना, हल्का सा पैर में गैप कर, हाँ हाथों में भी गैप कर, बॉडी से थोड़ा और कर हाथों को, और हाँ यहाँ तक बिल्कुल इस तरीके से लेट जाना है। खड़ा हो, ऊपर से दिखा, ऊपर से बिल्कुल इस तरीके से लेट जाना है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, आँख बंद, हाँ ऐसे करना है। इससे क्या होगा ना, जो आपके मन में, जो माइंड में ये है कि टाइट महसूस हो रहा है, बॉडी जो हैवी महसूस कर रही है, वो सब दूर हो जाता है इस चीज़ से। इससे क्या होता है ना, आप बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी मैं सो के उठा हूँ, जस्ट अभी रिलैक्स हुआ हूँ। तो आपको ये वाली करनी चाहिए, बस रिलैक्स रिलैक्स। ये जितनी बेस्ट बेस्ट एक्सरसाइज है आपको ये डेली फॉलो करनी है, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, रनिंग में इंप्रूवमेंट भी आएगा। ध्यान रखना, अगर आप ये स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो इंप्रूवमेंट आने के कम चांस होते हैं। इनसे क्या होता है ना, अच्छा फील होता है। तो कैसा लग रहा है, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स है ना? हाँ, तो इससे ना काफ़ी फायदा मिलता है, डेली करा करो। अगर आप एक बार करके देखो, ज़्यादा नहीं बोलते, सिर्फ वन डे करके देखो, आपको फर्क नजर आ जाएगा खुद ही, हाँ कि मैं पहले से रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल पर स्पोर्ट्स फिटनेस आर्मी से जुड़ी काफ़ी वीडियोस आती रहती हैं, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई भी आपकी कोई और प्रॉब्लम हो तो मेरे को वहाँ बता दो, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, या कोई वैसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मैं उसको जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।